दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश भर में उनके भक्तों द्वारा हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी के तहत अहमदगढ़ में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार सभी मंदिरों में श्रद्धा भाव से मनाया गया। सुंदर लाइटों से सजाए गए मंदिर रात के समय अलग ही छटा बिखेरते नजर आए और अलग अलग स्थानों पर बच्चों द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन से संबंधित लीलाओं को दर्शाती झांकियां बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई। इस दौरान अहमदगढ़ व आसपास के गाँव के भक्तों ने इन सुंदर झांकियों का नजारा देखकर अपने आप को धन्य किया और रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जी की आरती कर लोगों में प्रसाद वितरित किया गया। भक्तों ने श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस पर एक दूसरे की शुभकामनाएं दी। इस दौरान अहमदगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर श्री सत्यनारायण मंदिर के सचिव अरुण कुमार ने बताया कि श्री कृष्ण भक्तों में इस मंदिर का विशेष महत्व है और जहाँ पर असंख्य भक्तजन माथा टेकने के लिए आते हैं और इस मंदिर में लगभग पिछले 50 सालों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अहमदगढ़ से हलचल के लिए अजय मल्होत्रा की रिपोर्ट। ये जी जिहड़ा मंदिर है ये शहर का सब तो पुराना मंदिर आ ते इहदे विच आलमोस्ट 50 साल हो गए त्यौहार मनांदिआं नूं ते हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार है जिहड़ा बड़े धूमधाम नाल मनाया जांदा क्योंकि शहर का सब तो पुराना मंदिर होण खातर इत्थे लोग बड़ी धूमधाम नाल आउंदे ने और बड़ी श्रद्धा है लोकां दे विच इस मंदिर दे प्रति और हर साल असीं बड़ी धूमधाम नाल इहनूं मनांदे।